बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेटजीज़ टू सॉल्व मल्टी स्टेप लीनियर इक्वेशंस विद फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 6, 2 and 4 डिनोमिनेटर्स में 3 नंबर्स गिवन है, हम इनका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट मैं यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर देख रही हूँ, 2 से डिवाइड हो रहा है ये। 2 3s are 6, देन 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब अगेन इसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर ये 1 से डिवाइड हो गया। अगेन एक स्टेप और किया, यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, इसे 3 1s are 3 और ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पर हमें जो प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, 2 multiply by 2 multiply by 3, इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 multiply by 2 4 एंड 4 multiply by 3 12। 12 जो नंबर आया है, अब उसको हमने यहाँ पर ईच नंबर से, ईच टर्म से आपने यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई कर देना है। यानी यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में 12 लिख के यहाँ इस पर ब्रैकेट लगा दिया, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर इसी तरह से प्लस, और फिर इसी तरह 12 लिखा और मैंने लिख दिया 1/2 इज़ इक्वल टू का साइन अपनी जगह। फिर मैंने लिखा 12 और मैंने लिख दिया x-2/4। अब मैंने यहाँ पर इसको देखा कि कैंसिल हो सकता है, 6 2s are 12, तो रिमेनिंग आ जाएगा 2 एंड ब्रैकेट में x+7। फिर प्लस का साइन, 2 1s are 2 एंड 2 6s are 12, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 और ब्रैकेट में 1। फिर इज इक्वल टू का साइन, अब आपने कटिंग किया, 4 1s are 4, 4 3s are 12 और यहाँ पर ब्रैकेट में है x-2, तो मैंने लिख दिया 3 और ब्रैकेट में x-2। नाउ इसको मैंने इक्वेशन को सॉल्व करना है और मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ब्रैकेट्स मीन मल्टीप्लाई, 2 multiply by x2, x2 multiply by 7, 14। फिर 6 1s are 6 इज इक्वल टू 3 multiply by x, 3x एंड 3 multiply by 2 -6। अब यहाँ पर आ गया 2x+20 इज इक्वल टू 3x-6। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं लाइक टर्म्स हैं, यानी एक्स की वैल्यूज़ को हमने इक्वेशन की एक साइड पे लिख देना है और कांस्टेंट्स को हमने एक साइड पर। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 20+6 इज़ इक्वल टू 3x-2x। 20+6 हो जाएगा 26 और 3x में से 2x माइनस होगा, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स की जो हमें रिक्वायर्ड है। तो मीन्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई है 26। इस तरह से हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है आपके सामने और फाइंड आउट कर लिए वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन है 4x/3, फिर इज इक्वल टू 7/6 -5x/2। यहाँ पर नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में 3, 6 एंड 2, तो इनका हम एलसीएम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, 2 multiply by 3 प्राइम फैक्टर्स हैं दोनों, 6 आंसर आ जाएगा। जब 6 यहाँ आंसर आ गया तो मैंने यहाँ पे ईच टर्म से 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने लिखा 6 और ब्रैकेट में लिख दिया 4x/3 इज इक्वल टू का साइन। फिर आपने लिखा 6 और ब्रैकेट में लिख दिया 7/6। फिर इसके बाद आपने लिखा माइनस, फिर लिखा 6 और ब्रैकेट में 5x/2। यानी कि ईच टर्म को मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैंसिल किया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में 4x इज़ इक्वल टू का साइन अपनी जगह। 6 को 6 से कैंसिल किया तो 1 आ गया, एंड 1 multiply by 7 हो जाएगा 7। 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 3 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 5x के साथ। अब इस इक्वेशन को 2 4s are 8x इज इक्वल टू 7 -3 multiply by 5 15x, ये सॉल्व होके इक्वेशन आ गई है। अब इसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 15x मुझे राइट साइड पर नज़र आ रहा है, उसको मैं लेफ्ट पे कर देती हूँ, तो +15x हो जाएगा इक्वल टू का साइन और 7 अपनी जगह। अब 15x में 8x को आपने ऐड करना है तो बन जाएगा यहाँ पर 23x इज़ इक्वल टू 7। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि
7 तो डिवाइड नहीं हो सकता 23 से, तो मैंने यहाँ लिख देना है 7/23। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द मेथड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।